हाई सो आई हैव टू टेक अप दिस क्वेश्चन विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्ट दीज डेज मे बी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल या फिर मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह पे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है का सोल्यूशन ऑन टू परस्पेक्टिव

जिसकी वजह से आज कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता जा रहा है और कन्वर्सली एनजाइटी बढ़ती जा रही है दोस्तों इसके ऊपर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि कल मैंने इसी चैनल पे सीए फाउंडेशन क्लासेस पे एक स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड किया था विच ब्लू अवे ब्लू अवे द माइंड ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर Uh, जिनको आखिरी उम्मीद भी नहीं बची थी जिनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उनको लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता दे हैव गेंड बैक देयर कॉन्फिडेंस उनको लग रहा है कि वो जो 80 मार्क्स की तैयारी इन टू सब्जेक्ट्स एंड दूसरे सब्जेक्ट्स में लेस की तैयारी वाला जो स्ट्रैटेजी है इसकी वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड क्लैरिटी उसको ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं सेकेंड पर्सपेक्टिव को पिकअप करती हूँ सेकेंड टॉपिक को पिकअप करती हूँ जहां पे मैंने कहा कि ऐसा लगना बहुत आम है कि हम जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखेंगे हमें कुछ नहीं आएगा नाउ एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अभी से टफ पेपर का एक्सपेक्टेशन लेकर के चलो तो तैयारी अच्छी होगी क्योंकि एनजाइटी uh, का कुछ लेवल जो होता है वो हमारे लिए सेफ होता है और हमको अलर्ट रखता है और uh, हमें कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के प्रपरेशन करने की उम्मीद देता है पुश देता है बट एट द सेम टाइम अगर इसको बैलेंस नहीं किया गया अगर हमने ये सोच लिया कि बहुत ही टफ पेपर आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अंटिनस हमने डे वन से ये सोच करके तैयारी की थी तो कहने का मतलब आज अभी जब प्रेपरेशन थोड़ी सी सिक्सटी सेवेंटी पे है उसको हम खींच करके एटी नाइनटी पे ले जाने वाले हैं और आज अगर हम ये सोच ले कि पेपर बहुत टफ आएगा जो कि हमेशा होता नहीं है तो हम तो बिल्कुल उम्मीद अपनी छोड़ देंगे देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है आपके सामने जब पेपर आएगा अगर टफ पेपर भी है ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट हॉट क्वेश्चन होते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन आपके सामने जैसे ही पेपर आएगा आपको क्या करना है आपको उन रीडिंग टाइम में जो रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट्स रीडिंग टाइम उसमें आपको फटाफट से बिल्कुल हताश नहीं होना है बहुत ही अनबायस्ड वे में अपने इमोशंस को ना लाते हुए एक काम करना है 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में आप जब स्किम करोगे क्विकली तो आपको हाईलाइट करना है क्वेश्चन नंबर वन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि वो तो कंपल्सरी है करना ही करना होगा आएगा या फिर नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर टू ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उसके सारे पार्ट स्किम थ्रू करने हैं और आपको टिक करना है उन क्वेश्चन पर जो कि आपको लगता है कि आप अच्छे से प्रिपेयर अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर देखा हुआ क्वेश्चन आया

यू you नो know, uh, बन जाता है ऐसा सोच लेता है कि इस बार का पेपर गया और कुछ नहीं होने वाला है जबकि जबकि शायद ऐसा हो ऐसा शायद हो कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं वो आपने पहले से किए हुए लेकिन आप इतना ज्यादा डर चुके हो उस वक्त कि कॉन्फिडेंस की वाट लग चुकी है ऐसा होता है तो मैम व्हाट्स द टर्क एंड व्हाट्स द सोल्यूशन द टर्क इज दैट हंड्रेड पेपर टफ नहीं आता है कमिंग बैक टू द सेम थ्योरी 50 परसेंट मार्क्स चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में वैसे तो 40 परसेंट ही चाहिए आपको क्या करना है आपको अनबायस्ड वे में कहा ना आपको इमोशन फ्री होकर के मैं पास हूंगा या फेल हूंगा दो क्वेश्चन को देखते ही नहीं करना है क्वेश्चन नंबर टू ऑनवर्ड्स बस सिंपली सिंपली एकदम आराम से स्लो ब्रीदिंग करते रहना है और क्वेश्चन नंबर टू को एकदम अलर्ट होकर के बिना इधर उधर देखे कि कौन कितना लिख रहा है कौन क्या कर रहा है रीडिंग टाइम में आपको जो है बस टिक करने हैं वो क्वेश्चंस जो की, जो की, जो कि 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 आप सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे व्हाई बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इन आपका जो एग्जामिनर है वो देखेगा कि भाई इसने इनिशियल क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किए हैं तो उनका भी माइंड वैसा ही हो जाएगा बताए ना जैसे आपका माइंड होता है इनिशियल दो तीन क्वेश्चन पे डिप्रेस होकर ये सोचने का कि अरे अब तो एग्जाम गया

और अगर आप टू ऑप्ट कर रहे हो इनोप्ट नहीं कर रहे हो तो आपको टू के सारे पार्ट्स एक जगह करने होंगे ठीक है तो इस तरीके से जब आप सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लोगे जो कि आपने किए हुए हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हंड्रेड परसेंट या फिर सिक्सटी परसेंट पेपर आपको आता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता स्टेप मार्किंग भी मिलती है इंस्टीट्यूट द्वारा हम लोगों को और अगर आप पढ़ करके जा रहे हैं राइट और आपने वही वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है कि 80 परसेंट वाली एटलीस्ट दो सब्जेक्ट में किया हुआ है तो हो ही नहीं सकता कि 60 परसेंट पेपर से कम आपको आता ही ना हो आप 60 परसेंट बहुत अच्छे से कर ले जाओगे ये आपको गारंटी है बस करना क्या है

180 तो 180 मिनट्स हो गए थ्री आवर्स हो गए तो 1.8 पॉइंट का ट्रैक रखते हुए आपको इनिशियल जो आपने टिक किया है आपको अच्छे से आता है उसको आपको पूरा बढ़िया से करना है होगा क्या दोस्तों होगा क्या मेरी बात समझना कि आप जब ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट कंप्लीट कर चुके होंगे और टाइम को ट्रैक करते हुए आपके अंदर एक उम्मीद जगेगी कि नहीं यार फोर्टी मार्क्स तो इसमें से आ ही जाएंगे फोर्टी मार्क्स तो इसमें से आ ही जाएंगे उसके बाद हो सकता है यहाँ पे भी मैंने बहुत हाई कंजर्वेटिज्म लिया है चालीस परसेंट मैं मान रही हूँ कि आपको अच्छे से नहीं आता जबकि ऐसा होता नहीं है सबको नहीं आता है थर्टी परसेंट कभी कभी फोर्टी परसेंट मैंने मान लिया कि नहीं आता अब इस फोर्टी परसेंट में अब फिर आपको सेग्रीगेट करना है कि कौन सा मैं पहले कर सकता हूँ यहाँ पे एक काम याद रखना फॉर एक्जाम्पल टू का ए तुम्हें अच्छे से आता था प्रेजेंटेशन टू का बी नहीं आता था टू के बी के लिए नेसेसरी स्पेस छोड़ देना वरना कल को दिक्कत हो जाएगी राइट नेसेसरी स्पेस छोड़ देना ऐसा ट्रू है कि सारे सेक्शन को सारे पार्ट्स को एक साथ करना है। इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो राइट right? तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना हो सकता है तुमको बी कैटेगरी में टू का बी पार्ट करना पड़े राइट right? तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कॉन्फिडेंस को जनरेट करना बस इस बात पर डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके से अनबायस्ड वे में इमोशंस को दूर रखते हुए मिनट रीडिंग टाइम में उन चीज़ों को फिगर आउट कर लेते हो जो आपको आता है आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो आपसे वो हो जाएगा उसको वन पॉइंट एट मिनट्स के हिसाब से आपको प्लान करना है लिखना है एनी वे ये सब तो आएगा पहले से लेकिन अभी से बता दूंगी तो आपका दिमाग सेट रहेगा नाउ होपफुली इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैम हो जाएंगी चीज़ें ज्यादा से ज्यादा जितना भी टफ पेपर आएगा 60 परसेंट तो हम डेफिनेटली कर लेंगे टाइम बाउंड मैनर में इससे कॉन्फिडेंस आया होगा कमिंग बैक कि मैम अभी जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं है अगर आप उन बच्चों में फॉल करते हो जिन्होंने ये एक भी बार सोचा है कि मैम अभी पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रह रहा है लेट मी टेल यू दिस इज अ ग्रेट साइन ऐसे बहुत से गधे बच्चे हैं जिनको कुछ याद ही नहीं है जिन्होंने ज्यादा कंटेंट कंज्यूम ही नहीं किया है तो उनका ब्रेन बिल्कुल फ्री है उनका ब्रेन फ्री है उनको लग ही नहीं रहा है ऐसा प्रेशर कि मैम इतना कुछ घुसा हुआ है दिमाग में कुछ याद नहीं है अगर आपको ये फीलिंग आ रही है दिस मीन्स दैट यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे ऐसा सिर्फ लगता है बट लेट मी टेल यू इस वक्त हमारे जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं फियर के वो हमको डेंजर स्टेट में जो डाल रहा है और हम जो कंफर्ट लेवल से बाहर आकर के एक्टिवली काम कर रहे हैं ना वो बेस्ट पढ़ाई होती है वो याद रहती है सिर्फ आपको लग रहा है कि याद नहीं है देखना एग्जाम हॉल में जाओगे ना या फिर उसके पहले मॉक टेस्ट वगैरह करोगे तो हंड्रेड चीजें याद आने वाली हैं राइट right, दोस्तों कंक्लूड करें एक बात तो कॉन्फिडेंस ना आने का रीजन यही होता है कि हमको लगता है अभी का चीजें याद नहीं है वो मैंने आपको बता दिया और दूसरा आपको लगता है कि एग्जाम्स में कुछ नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा भाई स्टेप मार्किंग मिलती है 1.8 मिनट्स वाली स्ट्रेटजी अपनाना और जो है सबसे पहले फिगर आउट कर लेना कि कौन चीजों को तुम बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हो जिससे कि तुम एग्जामिनर्स पे अपना बेस्ट इंप्रेशन झाड़ सको फिर जब हाफ वे जा चुके होगे 60 मार्क्स इंटू वन कर लो भाई 60 मार्क्स का अगर तुमको आता है इंटू वन कर लो उतने टाइम बाउंड में तुमको कंप्लीट कर लेना है कोशिश करना उससे पहले ही हो सके क्योंकि अब जो पार्ट आने वाला है फोर्टी का जिसमें तुम अनकंफर्टेबल हो जो नहीं आता उसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है राइट तो जो चीजें आती हैं जो चीजें आती हैं उनको फटाफट से वन मिनट्स पर मार्क्स से भी कम में आपको फटाफट खत्म करना है कॉन्फिडेंस आ जाएगा बार बार याद रखो सौ नंबर नहीं चाहिए एग्जाम्स पास करने के लिए दोस्तों नंबर नहीं चाहिए राइट मेरी प्रीवियस वाली जरूर देखना एक और बात बताती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है सीए ग्री के नाम से इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो एग्जाम्स के बाद मुझे पोल्स कंडक्ट करती हूं वहां पे क्वेश्चन डालना हो तो आ सकते हो और दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों की सीए फाउंडेशन के लाइव बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं टू के लिए सो स्टे इन टच विद द चैनल बाय टेक केयर